पूरे देश भर में घूमते हैं, सारे प्रदेशों में जाते हैं, क्या स्थिति है समाज एक हो पाएगा? देखिए समाज इकट्ठा हो रहा है और एक होगा, लेकिन समय समय पर उन्हीं समाज के लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया, काशीराम साहब को धोखा दिया, आज आदरणीय बहन कुमारी माया जी को धोखा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इकट्ठा नहीं होंगे। समय समय पर लोग इकट्ठा हुए हैं, रिजल्ट दिए हैं, मेहनत करी है, रिजल्ट आया है, हम वो प्रयास कर रहे हैं। तो समाज के मायावती को धोखा दिया या फिर मायावती धोखा दे रही है समाज को, ये समाज ने मायावती को? देखिए ऐसा नहीं है कि बहन जी धोखा दे रही हैं, समाज में कुछ लोग बहन जी को धोखा देना काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिस संस्था को काशीराम साहब ने बनाया उस संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं वो कुछ लोग बहन जी को धोखा दे रहे हैं। जो बहन जी उनसे काम के लिए कहती हैं, जो जिम्मेदारी उनको देती हैं, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी वो निभा नहीं पाते और बहन जी को गुमराह कर देते हैं। इस वजह से आप लोग कह रहे हैं कि बहन जी धोखा दे रही हैं। अगर बहन मतलब समाज आरोप, हाँ जो लोग कह रहे हैं मैंने बताया ना, और अगर आप मिशन मूवमेंट को राजनीतिक पार्टी से जोड़ेंगे तो वो उचित नहीं होगा। लोगों ने रिपब्लिक पार्टी को भी खड़ा किया, आज पार्टी नहीं है, मूवमेंट आज भी खड़ा है। समाज ने माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया, आज वो संघर्ष कर रही है और हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसा हाल तो ना जाए इसका, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आज इस देश का नौजवान युवा वर्ग बहन जी में काशीराम साहब के मूवमेंट के साथ खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं हम लोग युवा शक्तल के लोग हैं, पूरे देश में जाते हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ हमने हजारों कार्यकर्ता लगाए और आज भी हम लोग। आपके पुराने कुछ साथी थे, उन्होंने भी पार्टियां बना ली है, संगठन बना लिए हैं। देखिए मैंने बताया ना समाज में आप पे भी क्या भरोसा किया जाए, आप भी बना सको कल जाके आगे जाके। देखिए पिछले 10 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और एक भी अपील हमने माननीय काशीराम साहब के मूवमेंट के खिलाफ नहीं करी और लगातार पार्टी को मूवमेंट को मजबूत करने का काम किया है। और जो लोग हमारे पूर्व में साथी रहे हैं तो समाज में जयचंद बनने दीजिए, ऐसे रामविलास पासवान, उदित्य राज, रामदास ठावले बहुत आए, क्या कर पाए? अब वो लोग अपनी व्यक्तिगत रोटी चला सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं। कि हम लगातार कह रहे थे, क्या कह रहे थे? गलत रास्ते पर है और वही हुआ देखिए। अच्छा अगर आप उदित्य राज की बात कर रहे हैं तो बीजेपी में जाकर के वो सही रास्ते पर थे, रामदास ठावले की अगर आप बात करते हैं तो वो बीजेपी के राज्यसभा गए हैं, वो सही थे। तो अगर जितने लोग ये आज कह रहे हैं, अगर इतनी ताकत से ये माननीय काशीराम साहब को मूवमेंट को मजबूत करने का काम करते तो स्थिति ये ना होती। तो चुनाव हारे हैं, संघर्ष थोड़ा ना हारे हैं, हौसले तो कमजोर थोड़े ना हमारे। आप देखिए ये पूरा जनसैलाब माननीय काशीराम साहब को मानने वाले। संघर्ष तो पहले ही हार गए थे आप लोग, अब तो चुनाव हारे हैं आप लोग। नहीं 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 चुनाव आप चुनाव से आप अगर संगठन नहीं बचा, नहीं हमारे पास देखिए हमारे पास पार्टी भी है, संगठन भी है, मिशन मूवमेंट भी है और विजन भी है। अगर आप लोग मात्र 7 या 8 साल के शासनकाल भाजपा को देख करके अगर आप ये कह रहे हैं कि हम उनसे पिछड़ गए हैं, वो दिन याद रखिए जब बहन जी ने एक वोट सरकार गिराई थी तो वो लोग भी रो रहे थे लोकसभा में। तो ठीक है गलतियों से हम सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बढ़े हैं गलतियाँ हुई हैं। हाँ गलतियाँ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी गलती रही होगी, शेष नेतृत्व पर गलती नहीं है, तमाम लोग यहाँ नहीं मान रहे, बहन जी गलती नहीं है, हम अपनी गलती मान सकते हैं कि हम लोग संगठन के लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम उस घर तक नहीं पहुंच पाए जो हमसे लोग नाराज थे। आपकी तो ईवीएम से शिकायत नहीं है कोई? नहीं ईवीएम से शिकायत बिल्कुल हो सकती है, भाई समाज अगर कह रहा है तो कुछ सच्चाई होगी, लेकिन अगर ईवीएम से ज़्यादा हमें ज़मीन पर काम करना होगा, हमने किया भी है, तो उस घर तक जाएंगे जो हम नाराज। वोट भी दिया है बहन जी को? नहीं जो वोट दिया है तो रिजल्ट भले ही हम लोग जो है सत्ता में ना आ पाए हो, लेकिन अच्छा रिजल्ट रहा है। तीसरे चौथे नंबर पे आ गए हैं आप, यानी दूसरे नंबर पे आप लोग रहते थे। देखिए ऐसा मत कहिए आप, देखिए आप बहुजन मीडिया के लोग हैं, आपको बधाई है, लेकिन जो मैनेज सभी सीटों पर आप दूसरे तीसरे नंबर, देखिए जो चौथे नंबर जो गोदी मीडिया है, जो मैनेज मीडिया है, उसको बाकायदे तैयार किया गया, उनकी जेब में पैकेट डाले गए, बहुजन समाज पार्टी फाइट कर रही थी, समाजवादी को दिखाया गया। और जो आपके नेताओं पे भी नहीं है सर, सब पे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। देखिए पानी भी नहीं पिलाता आपका मीडिया वाले, देखिए वो किसी के पास व्यक्तिगत पैसा है, लेकिन पार्टी लेकिन पार्टी जो है हमारी वो गरीब पार्टी है, हम लोग संघर्ष करते हैं, जिनके पास होंगे वो व्यक्तिगत होंगे। तो आप लोग भाजपा का हाल देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो है मीडिया में दिखाया जा रहा है और गुटबाजी बनाई जा रही है। तो ठीक है आज वक्त है हमारा सुनने का, हम सुन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है हम कमजोर हैं, हम 2024 में बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। उठ गए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपको जनसैलाब दिख नहीं रहा, ये नीली क्रांति दिख रही है। तो काशीराम साहब का मिशन है, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक सत्ता हो ना हो लेकिन सामाजिक आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, तो हम सामाजिक आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। और जो शिकायतें आपकी मेरे से हैं ठीक है, मैं बसपा का पद का ही नहीं हूँ, लेकिन बसपा मेरी माँ है, वो मेरा घर है,
मेरा संगठन है युवा शक्ति दल। जैसे युवा शक्ति दल ने काम किया है ऐसी भारतवर्ष के हर संगठन को कर रहे हैं, क्योंकि आप चुनाव में पूरी मेहनत करी, आपने चुनाव में लगे रहे, आप घर घर गए, लोगों को समझाए, लेकिन नतीजे उस तरीके तो वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं अगर आपसे एक बात पूछूँ, पूरे प्रदेश में एक युवा शक्ति दल ऐसा संगठन था जिसने बहन जी के समर्थन में कटआउट लेकर के, बैनर लेकर के बसें भरवाई, अपने लोग भेजे, और संगठन कहाँ गए? जो 14 लाख संगठन हैं जो बाबा साहब के नाम से मलाई चाटते हैं, बाबा साहब की सिर्फ जयंती पे निकलते हैं या मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पर निकलते हैं। जयंती मनाना अच्छी बात है, लेकिन बाकी 365 दिन वो क्या करते हैं? बहन जी की बुराई करते हैं, पार्टी की बुराई करते हैं। आकलन किया, चिंतन किया, कुछ किया? देखिए, हमने संगठन के माध्यम से चिंतन किया है। हमें लगा कि लोगों में नाराजगी थी कि जो हमारे पार्टी के नेता हैं, जिनको बहन जी जिम्मेदारी देती हैं, वो लोग घर घर नहीं जा पाते, उनके दुख में शरीक नहीं हो पाते, कहते हैं ऊपर से कोई दिशा निर्देश होगा। हमने भी काम किया है, हमें भी दिशा निर्देश हुआ, हम लोगों ने भी संघर्ष किया, तो जो गुमराह हुए हैं लोग वो आज पछता रहे हैं। हमने देखा संगठन काम नहीं कर रहा था, बीएसपी का निर्दल प्रत्याशी चुनाव में ऐसे लड़ा है, निर्दलीय हो, संगठन उसके साथ नहीं था सर। देखिए, आप लोग भली भांति जानते हैं कि अगर आप संघर्ष की बात करेंगे, कोई मुझे एक घटना ऐसी बताइए जहां पर पार्टी के लोग ना पहुंचे हों या युवा सदल के लोग ना पहुंचे हों, जिन्होंने काम नहीं किया हो, जिसने बुलाया हो, पार्टी का संगठन की बात। हाँ, तो हम कह तो रहे हैं तो कि ऐसा कोई भी एक घटना बताइए जहां बहन जी शिकायत रहती थी कि कोई अधिकारी मिलता ही नहीं है, कोई नेता हमसे मिलता ही नहीं है। इनकी शिकायत, उन लोगों की शिकायत तो बाबा साहब से भी थी, काशीराम साहब से भी थी, आज बहन जी से कर रही है सर। तो ये जनता कौन सी है? ये भी तो आम जनता ही है जिसको आप देख रहे हैं। भाई, हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। तो ये भी तो जनता है, जो आंकड़ा हम 1 करोड़ तक पहुंचे हैं वोटों का लेकर के, वो भी तो जनता है। ये तो कुछ लोग वो हैं, 2 करोड़ दिया आप लोग पिछली बार, अब तो हम बता तो रहे हैं कि कमियां आई हैं, उनको दूर किया जाएगा। और रही बात संघर्ष की, तो हम संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। पार्टी ने 4-4 बार सरकार बनाई है और आज उसका एक विधायक हो, और आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पूर्व में जो हमसे बड़ी पार्टियां हैं, आप उनको देख लीजिए, ये स्थिति है सर। देखिए, नहीं तो आप कांग्रेस के हालात देख लीजिए, आप भाजपा 8 सालों से नजर आई है, 2024 के बाद नजर नहीं आएगी, बहुजन समाज पार्टी नजर आएगी। सर, अपने से नीचे वाले क्यों? आम आदमी पार्टी देखिए ना सर, कैसे साल हुए पार्टी बने हुए, दूसरे राज्य में सरकार बना रही जाकर। सभी लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के पीछे आरएसएस का हाथ है, वो उनकी भी टीम है। आपके पीछे तो पूरा बहुजन समाज है सर। नहीं तो हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं ना बहुजन समाज को लेकर के, और जो बुराइयां कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, काश ये इतनी मेहनत चुनाव में कर लेते तो परिणाम कुछ और होते। बहरहाल, कोई बात नहीं है, आज हमारा समय है, हम सुन रहे हैं, वो दिन याद रखिएगा। और मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन पूरे देश में नीला नीला होगा और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और देश एक नई उन्नति करेगा। चलिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।